सबसे पहले आपको फेसबुक ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फेसबुक ओपन करोगे यहाँ पर आपको क्रिएट स्टोरी पर क्लिक कर देना है। क्रिएट स्टोरी पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स पर चले जाना है। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक करके रखा है, मतलब मैं जब भी स्टोरी अपलोड करूँगा कोई भी मेरी स्टोरी को देख पाएगा। अगर वो मेरा फ्रेंड नहीं है फेसबुक में तो भी वो मेरी स्टोरी को देख पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ्रेंड पर सिलेक्ट कर देना है। फ्रेंड पर सिलेक्ट करने के बाद हाइड स्टोरी फॉर्म पर क्लिक करना है और उसका फेसबुक आईडी का नेम यहाँ पर सर्च कर लेना है, जिससे भी आप अपनी फेसबुक स्टोरी को छुपाना चाहते हो। अब यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, फिर आपको बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही बैक पर क्लिक करोगे आपका ये जो है अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टोरी लगा के देख लेते हैं कि उसको हमारी स्टोरी दिखती है कि ये नहीं। तो मैं क्रिएट स्टोरी पर क्लिक करता हूँ और कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करके इसे अपलोड कर देता हूँ। हमारी जो स्टोरी है वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं स्टोरी अपलोड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक स्टोरी कोई बता नहीं रहा है क्योंकि मैंने ये वाला आईडी से स्टोरी को हाइड करके रखा है। तो भी मैं एक बार सर्च बार पे ये वाली आईडी को सर्च करके बता देता हूँ कि हमारी स्टोरी दिख रही है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैंने आईडी को सर्च कर लिया, लेकिन यहाँ पर कोई स्टोरी नहीं दिख रही है।